एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन का डोरमेट, जिसके लिए हमने दो प्रकार की ये देखिए ऊन ले रखी है। आप चाहे तो साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो ऊन से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो कलर के ऊन लेने होंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से देखिए फंदे डाले होंगे। अगर आप 40 का बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर 40 फंदे टोटल डालने होंगे। ठीक है, तो उसके पहले सबसे पहले देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने यहाँ पे 11 नंबर की सिलाई ले रखी है और यहाँ से देखें दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। ठीक है, और एक देखिए यहाँ पे 21, यहाँ पे हमने 21 फंदे इस तरीके से बुन लिए। देखिए एक फंदा छोड़ते हुए यहीं से पलट देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे कंप्लीट फंदे बुनेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने एक एक करके दोनों साइड से बराबर के फंदे यहाँ पे छोड़ देने हैं। ठीक है, दो तीन चार पलट देना है। अब यहाँ से फिर से एक दो, अब देखिए लास्ट के जो ये दो फंदे हैं, अब देखिए यहाँ पे हमारा सीधी साइड से है तो यहाँ पे एक फंदा हम इस तरीके से लास्ट का बुनेंगे, पलट देंगे। अब देखें जो ये फंदे हैं वन साइड के फंदे, ये बीच के हमारे होंगे और ये किनारे के, तो यहाँ से हम ये हमारा उल्टे साइड का है और ये सीधा साइड, तो उल्टे साइड से हम इस तरीके से यहाँ पे रेड कलर को ऐड करेंगे। एक दो तीन, तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि छतरी डिज़ाइन का आप डोरमेट बना के दिखाइए, तो ठीक है 40 फंदे का, तो ठीक है कल की वीडियो में आपको वो डिज़ाइन ज़रूर मिलेगा। तो कल की वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आपको वो डिज़ाइन बनाना है तो। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से आपको हम वो डिज़ाइन नहीं दिखा पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से सभी फंदों को बुनेंगे और यहाँ से सीधी साइड से लेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। देखिए अब यहाँ पे हमने इस तरीके से 11 फंदे बुन लिए, पलट देंगे। अब सीधी साइड से हमें यहाँ पे कंप्लीट फंदे बुनने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फंदा छोड़ेंगे, पलट देंगे। अब सीधी साइड से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और सीधी साइड से दस। ठीक है, पलट देना है। अब यहाँ पे किनारे का फंदा उतारना है और नेक्स्ट फंदे से दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ पलट देंगे फिर से इस तरीके से। अब यहाँ पे इसी तरीके से एक एक करके हम सभी फंदे छोड़ते जाएंगे, सीधी साइड से पलट देंगे, किनारे का फंदा उतारेंगे
देखें, फिर से पलट देंगे। यहाँ से देखें, सभी फंदों को हमें बुनना है। इसी तरीके से लास्ट तक के तीन फंदे रहने तक के हम सभी फंदों को छोड़ेंगे एक एक करके, ठीक है। अब देखें, एक एक करके हमने सभी फंदे छोड़ दिए। अब यहाँ से इसे उतारना है और नेक्स्ट फंदे से दो तीन, ये जो छोड़े हुए फंदे हैं हमें इन्हें एक साथ में कंप्लीट फंदे बुनेंगे, ठीक है। कंप्लीट डिज़ाइन यहाँ पे देखें, सभी फंदों को बुनना है एक साथ में, यहीं से पलट देना है। इस फंदे को हमें नहीं बुनना है और पलट देना है। यहाँ से सीधी साइड से बुनेंगे, ठीक है, इस तरीके से। पलट देंगे सीधी साइड से। अब यहाँ से किनारे का फंदा उतारना है, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, और एक फंदा छोड़ते हुए पलट देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ अब ये देखें, फिर से हमने यहाँ पे एक एक करके सभी फंदे छोड़ दिए। अब यहाँ पे हमें इन सभी फंदों को एक साथ में बुनना है, ठीक है। यहाँ तक की हम बुनाई करेंगे रेड कलर के फंदे से, देखिए इस तरीके से, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, और देखिए इस तरीके से बारह। अब यहाँ पे रेड कलर को पीछे की साइड करेंगे, वाइट का धागा लेंगे और यहाँ पे नीचे की साइड सभी फंदों को हम वाइट से बुनेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से सभी फंदे बुनते जाएंगे। अब देखें, इस तरीके से यहाँ पे हमने सभी फंदों को बुन लिया। अब सेम पत्ती जैसे हमने इस डिज़ाइन को यहाँ पे बनाया हुआ इस कली को, उसी तरीके से इस कली को बनाएंगे, उसके बाद फिर ये कली बनाएंगे। इसी तरीके से हम सभी फंदों को बनाते जाएंगे, बार बार इन्हीं कलियों को हम रिपीट करेंगे और हमारा डोरमेट काफ़ी सुंदर सा बनके रेडी हो जाएगा।